नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम फ्रॉम शांति गार्डन्स। अभी तक हमने सिर्फ दो ही एपिसोड्स दिए हैं जिसमें हमने चार प्लांट्स के बारे में बताया है। हमारा पर्पस ऑफ ये सीरियल शुरू करने का ऐसा है कि क्योंकि हम चाहते हैं कि हर घर के अंदर खूबसूरत पौधे हों, हर घर के अंदर एक छोटा सा बैठने का स्थान बने, और वो पौधे हम शुरुआत में ऐसे कर रहे हैं सो दैट बिगिनर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। सबकी शिकायत होती है कि हम घर से लेकर आते हैं, घर में लेकर आते हैं नर्सरी से पौधे और वो ख़राब हो जाते हैं, घर आते ही ख़राब हो जाते हैं। तो अभी तक जो हमने आपको चार पौधे बताए हैं हमारे पिछले दो वीडियोस के अंदर, उसका लिंक हम इसमें शेयर कर देंगे। तो उसके अंदर हमने जो बताया वो बिल्कुल हार्डी प्लांट हैं, इसको पानी भी अगर कम देते हैं तो, और इसकी मिट्टी भी अगर नहीं बदलते हैं, और तीसरा अगर इसमें खाद भी नहीं डालते हैं तो भी ये सालों साल आपके दोस्त बन के आपके साथ साथ चलते हैं और ये आपके बेस्ट फ्रेंड रहने वाले हैं। और इसका प्रोपोगेशन भी बहुत आसान है, बहुत जितने भी मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो। तो आज यहाँ दिल्ली में एक छोटा सा बरसात आ रही थी जब मैं बाहर आई अपनी बालकनी में, तो मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत लग रहा था हमारा मनी प्लांट। तो हमें लगा कि ये इतना प्यारा घर, हर घर का प्यारा मनी प्लांट, ये हम कैसे भूल सकते हैं। तो हमें एकदम ध्यान आया और हमने सोचा आज हम आपको जो वीडियो बनाने वाले हैं मनी प्लांट के ऊपर बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम मनी प्लांट की ग्रोथ कैसे करते हैं, इसको लगा कैसे सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं लगाने के, और किस तरह की इसको खाद की ज़रूरत रहती है, और इसको हम बुशी कैसे बना सकते हैं, इसको सनलाइट का कितना ज़रूरत है, और मिट्टी का क्या रेशो होना चाहिए। तो आज हम इस बारे में आपके साथ बात करने वाले हैं। मनी प्लांट हर घर का प्यारा पौधा, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में ये पौधा ना मिलता हो। इजी टू ग्रोइंग है, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, और इसका असली नाम पोथोस है। कई तरह का ये प्लांट्स आता है। अगर आप ये वाला प्लांट देखते हैं तो ये आप देखिए, इसको हम लोग मार्बल क्वीन बोलते हैं। इसमें वाइट पोर्शन ज़्यादा होता है, ये देखिए इसमें वाइट पोर्शन ज़्यादा होता है और ग्रीन पोर्शन इसमें कम होता है। एंड इसको अलावा ये वाले प्लांट को हम बोलते हैं नियोन मनी प्लांट, तो ये गोल्डन मनी प्लांट बोलते हैं इसको। एंड इसके अलावा केयर सबका एक जैसा ही है, केयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और आखिर तक जुड़े रहें इसके साथ, क्योंकि आज बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस मनी प्लांट आपको हम देने वाले हैं, जिसको हम लोग पोथोस भी कहते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं इसमें मिट्टी और खाद का क्या रेशो हो, तो उसके लिए हमारा लिंक हम आप दे देंगे इसी वीडियो में, हमारे जो शॉर्ट वीडियो है उसके अंदर भी पड़ा हुआ है और आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड इसके अलावा दूसरा हम ये कहते हैं कि इसको हम लगा कैसे कैसे सकते हैं, तो इसको लगाने के चार पाँच तरीके हैं वो बताना चाहते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि आप नर्सरी से लेकर आ जाएँ, 20-25 रुपये का एक छोटा सा इतना सा पौधा मिलेगा, ठीक है। और पर नर्सरी से लेकर आते हैं तो आप एकदम उसको रिपोर्ट मत करें, आप एक वीक के लिए अपने पास वो रख लें, पानी देते रहें आप उसे एक वीक के लिए रखने के बाद, ताकि वो आपके एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर लेगा, आपके गार्डन को अडेप्ट कर लेगा, और उसके बाद आप उसे रिपोर्टिंग में डालें। एंड दूसरा तरीका ये है कि आप पानी के अंदर भी लगा सकते हैं। अब पानी के अंदर भी जैसे लगाना है तो ये आप 12 महीने लगा सकते हैं, पानी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 12 महीने लगा सकते हैं। और इसके अंदर पहले आप रूट, इसकी रूट आने दीजिएगा। ये देखिए ये हमने पानी में लगाया हुआ है, लीजिए ये इसकी ये रूट्स आ रही हैं। तो ये जैसे ही रूट आ जाती है तो फिर आप इसको मिट्टी में डाल दीजिए। तो इसको हम 12 महीने ही लगा सकते हैं अगर पानी में आप लगाते हैं तो। एंड तीसरा तरीका ये है, और इसके अंदर अगर पानी में आप लगाते हैं तो ये जो पॉट होना चाहिए ये अगर कांच का होगा तो ज़्यादा बेटर है, इससे इसको फोटोसिंथेसिस मिलेगा, और ये आप खिड़की के पास रखेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। और तीसरा तरीका ये है इसका कि हम इसको जहाँ से इसकी रूट आ रही है, जहाँ से इसकी एरियल रूट्स आ रही हैं, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं एक पौधे से। ये देखिए ये इसकी एरियल रूट आ रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ से ये रूट्स आ रही हैं, ये नोड्स हैं, आप इसे नोड्स भी कह सकते हैं ये, और ये पत्ती के पास आते हैं, ये देखिए। तो आप इसको क्या करेंगे, कोई एग्जिस्टिंग पौधा अगर जो आपका है और इस तरह से इसकी नोड्स आ रही हैं, तो आप ये पौधा लेंगे और इसके अंदर चार पांच, एक दो नहीं, इसके अंदर चार पांच आप इसके अंदर डालकर और इसको 20 से 25 दिन के लिए आप रख देंगे। तो 20 से 25 दिन के लिए जब आप रखेंगे और आप इसके अंदर जब आप पौधे को पानी देंगे तो आप इसको भी पानी देते रहेंगे,
और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आप इसको यहाँ से काट देंगे, इसके चार पांच इसमें आ जाएंगी तो यहाँ से काट देंगे तो ये अपनी जड़ें जड़ें बना चुका होगा, उस केस में जड़ें बना चुका होगा तो इसको प्रोपोगेट करना और आसान होगा, जल्दी से हो जाएगा। वैसे आप इस पौधे को जब भी ग्रो करें आप ग्रोइंग पीरियड में करें, इसको नहीं, किसी भी पौधे को अगर हमें ग्रो करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोपोगेट करना है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? अब क्वेश्चन उठते हैं कि हमें कैसे पता चले कि इसका ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका पौधा इतना बड़ा है तो वो लंबा होना शुरू हो जाएगा, तो वही होता है। और उसके साथ अगर कटिंग भी अगर आपको करनी है तो वो भी आप ग्रोइंग पीरियड में करें, क्योंकि ग्रोइंग पीरियड में ही वो डेवलप हो पाएगा और ज़्यादा उसकी पत्तियाँ आ पाएंगी और वो लंबा हो पाएगा। तो ये मैंने आपको तीन तरीके बताए हैं, और चौथा तरीका ये रहता है कि आप इसको मोस्टिक के साथ लगा दें, मोस्टिक के साथ लगा दें। अगर मानसून है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मानसून में तो आपका वैसे भी अगर आप यहाँ से तोड़ेंगे और लगा देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एंड अगर मान लीजिएगा आप इसमें सिर्फ पत्तियाँ चाहते हैं, हम अगर मान लीजिएगा यही वाले पौधे को ही ले लेते हैं, हम इसी को ले लेते हैं, और अगर हमें सिर्फ इसमें पत्तियाँ ही चाहिए सिर्फ, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये ना हर पत्ती के पास एक नोड है, ये नोड है, यहाँ से इसकी जो जड़ है वो निकलती है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये सिर्फ पत्ती को ही हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये हमने जैसे एक डाला है तो इसी तरीके से हम दूसरी पत्ती को उठाएंगे, ये दूसरी पत्ती हम कहाँ से काट रहे हैं, ये देखिए, ये नोड के पास से काट रहे हैं, तो इसको उठाकर डाल देंगे, तो ये आपका पूरा का पूरा जो हमारा है ये पत्तियों वाला हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमने सिर्फ पत्तियाँ पत्तियाँ लगाई हैं, तो इसमें अगर मान लीजिएगा इसके ऊपर पहले भी पत्ती आ जाती है, पत्ती के साथ अगर नोड आ जाती है तो आप उसे काट दीजिए, तो ये सारा का सारा बुश ही होता चला जाएगा, ये बहुत खूबसूरत लगेगा फिर। तो ये हमने एक बनाया है, एंड इसके अलावा आपका जो और तरीका रहता है, इसको हम लोग अक्टूबर माने फरवरी से लेकर अक्टूबर तक आप इसे कभी भी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और इसको फास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसको पानी के थ्रू कर, पानी में पहले जड़ को आने दीजिए उसके बाद कीजिए। अगला तरीका यह है कि हम इसे मोस्टिक के ऊपर खड़ा कर सकते हैं, तो मैंने अपने ही वहाँ से एक नियोन मनी प्लांट की मैंने कुछ टहनियाँ काटी हैं, तो इसमें आप चार पाँच टहनियाँ काट लीजिए, ये चार पाँच टहनियाँ काट लीजिए, और जिस तरफ से ये ग्रो हो रहा है, जिस तरफ से ये ग्रो होता है उसी तरफ से ही आप इसको मिट्टी में लगाइए, मिट्टी में लगाकर और आप इसके चारों तरफ से इसको घुमा दीजिए। ऐसे ही आप दूसरे वाले भी कर दीजिएगा, थोड़ा लंबा होना चाहिए, जिसके अंदर पांच छह नोड्स और एरियल रूट्स आने चाहिए, इसे हम एरियल रूट्स और नोड्स बोलते हैं। तो अभी आप जैसे दूसरा वाला है, दूसरे वाले को भी आप ऐसे करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, तो ऐसे करके फिर आप इसको दूसरी तरफ से ऊपर खड़ा कर देंगे जी। और पांच हम लोगों ने टहनियाँ इसके ली, और फिर हम इसको धागे से बांध देते हैं ताकि ये साथ के साथ ही जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, और हमें फिर धागे से या फिर आप जूड़े का पिन रहता है तो आप जूड़े के पिन से भी उसको टैग कर सकते हैं, तो मेरे पास जूड़े का पिन नहीं था तो मुझे लगा मैं इसको धागे से ही बांध देती हूँ। तो ये हमारा बन गया, बट इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इसको जब भी आप पानी दें आप इसको यहाँ से पानी देना होगा, पानी देते हुए ये ध्यान रखना है इसको यहाँ से देते हैं पानी। अब हम बताने जा रहे हैं कि हम इसे बुशी कैसे कर सकते हैं। अब बुशी के लिए पहला तरीका तो ये है कि हम ये देखिए, हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं, अब यहाँ पर इसके ये एरियल रूट्स है ये देखिए, और इसके बाद पत्ते देखिए, पहले नज़दीक नज़दीक पत्ते थे, अब ये पत्ते दूर होते जा रहे हैं क्योंकि इस एरियल रूट को फूड नहीं मिल रहा। तो आप इसको बुशी करने के लिए आप इसके कटिंग करें, जब आप एक कटिंग को काटेंगे तो वहाँ से तीन ऐसे टहनियाँ निकल जाएंगी। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको इस तरीके से बुशी कर सकते हैं, ये लीजिए, ये हमारा अब तीन तीन निकलेंगे तो अपने आप ही ये बुशी हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसी ही प्लांट को जहाँ से ये निकले हुए हैं, जहाँ से ये आ रहे हैं, जैसे ये एरियल रूट्स आ रही हैं, वापस से अगर आपका खाली है तो इसी मिट्टी के अंदर ही हम इसको दबा दें। इस मिट्टी के अंदर अगर हम दबाएंगे तो फिर वापस से वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा टहनियों का। तो ये इस तरह से आपका बुशी हो जाता है। और अगर आप नया पौधा अगर मान लीजिएगा, ये देखिए ये भी अभी बाहर आ रही है, तो इसको हम निकाल देते हैं।
तो ये हमारा बुशी हो जाएगा, वो बहुत सुंदर लगेगा। फिर तरीका ये है कि हम एक गमले में पांच छह इस तरह से, पांच छह जो भी हमने अभी कटिंग की है सारी ही हम यहाँ पर लगा दें। जब हम ये सारी लगाएंगे यहाँ पर, तो ये इस तरीके से हम सारी इकट्ठा एक ही बार लगा दें, तो फिर हमारा जो प्लांट चलेगा तो वो हमारा अपने आप ही बुशी हो जाएगा। तो ये हमारा एक और तरीका है जिस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, और सारी जितनी भी जड़ें हैं उन सबको पानी मिलेगा। पर आपने करना क्या है, इसको ग्रोइंग पीरियड में ही, प्रूनिंग भी आप ग्रोइंग पीरियड में करें, और इसको लगाना भी है आपने ग्रोइंग पीरियड में लगाना है। और अगर आप इसको सर्दी में लगाना चाहते हैं, किसी और मौसम में लगाना चाहते हैं, तो आप इसको पहले पानी में इसकी जड़ें बनाएं, आप उसके बाद लगाएं। अब हम बताना चाहते हैं इसको सनलाइट कैसी पसंद है। तो ये एक, इसको शेड बहुत पसंद है। आप सर्दी के अंदर आप इसको सुबह की धूप या शाम की धूप बहुत अच्छी लगेगी, सर्दी में कोई दिक्कत नहीं है इस पौधे को। पर गर्मी के अंदर चिलचिलाती धूप में आप इसको सुबह सुबह की धूप दिलवाएं और आप शेड में रखें, तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर आप इसको हम अंदर रख रहे हैं, रूम के अंदर रख रहे हैं, तो उस केस में आप वीक में 2 बार, 2 दिन के लिए आप इसको बाहर रखें। और बाहर जब आप रखेंगे तो शाम को रखें, क्योंकि अगर आप दोपहर को रखेंगे तो दोनों का मैश नहीं करेगा आपका एटमोसफियर। बाहर बहुत गर्मी होती है और गर्मी से एकदम सर्दी में जाएगा, थोड़ी ठंड में अंदर जाएगा, तो उसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ का ही ध्यान दीजिएगा। मतलब मेरे को तो ये एक्सपीरियंस है कि ज़्यादा खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप कोई सी भी खाद डाल सकते हैं। अभी इसके लिए सबसे बेस्ट खाद है जो घर में हम चाय पत्ती बनाते हैं, तो चाय पत्ती की जो रहती है उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, और उसके बाद उसको आप इसमें डाल सकते हैं, तो उससे ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। और बाकी आप वर्मी कंपोस्ट और गोबर का खाद, आपके पास जो भी खाद हो आप इसमें डाल सकते हैं। और बट आप इसको ध्यान रखें, ना ज़्यादा गर्मी में ना ज़्यादा सर्दी में इसको खाद को डालें। एंड आप इसको सितंबर में डाल सकते हैं और फरवरी में डाल सकते हैं, 6 महीने के बाद डालेंगे तो ये आपका बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर इसमें थोड़ा सा चींटियाँ आ जाती हैं तो इसके अंदर थोड़ा हल्दी डाल लें, और फिर नीम ऑयल रहता है उसको 1 लीटर के अंदर एक ढक्कन नीम ऑयल डालकर आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, तो कोई फंगस नहीं लगेगी, कोई कीड़ा नहीं लगेगा। तो आप इस तरह से इस पौधे को ध्यान रख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने हमारा चैनल, सब्सक्राइब कर लें। और इंस्टाग्राम पर भी हमारा शांति क्रिएशंस के नाम से है, तो आप उसे भी लाइक करें, फॉलो करें, बहुत अच्छी अच्छी रील्स आती हैं। एंड आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपका प्यार बहुत मिल रहा है मुझे, एंड आई एम थैंकफुल आपका प्यार मिल रहा है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।